नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का शहर के नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मुख्य समाचार में शामिल हैं। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी के सदस्यों ने छात्रों की समस्या को लेकर कुलपति का जलाया पुतला। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर वाम संगठन के सभी दलों ने संयुक्त रूप से नए कृषि कानून के विरोध में किया सत्याग्रह। और केंद्र सरकार द्वारा संकेत मिलने के बाद सदर अस्पताल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी शुरू की। तो ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालय प्रशासन की लचर व्यवस्था के खिलाफ एबीवीपी के सदस्यों ने विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति का पुतला जलाया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बिहार विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की समस्या को लेकर कुलपति का पुतला जलाया। एबीवीपी के सदस्यों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण समय पर परीक्षा और छात्रों को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। एबीवीपी ने मुख्य रूप से परीक्षा को सही समय पर लेने की मांग की। एबीवीपी के सदस्यों ने कहा कि लॉकडाउन में छात्रों की पढ़ाई काफ़ी पीछे चली गई है और अब विश्वविद्यालय प्रशासन के कारण परीक्षा और रिजल्ट छात्रों को सही समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा हुए, परीक्षा हुए, 11 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उसका परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है? इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अभी फीस वृद्धि हुआ है, प्रोविजनल का, ओरिजिनल का, डिग्री का जो 80-90 रुपए से बढ़ाकर 205 रुपए उसका हो गया है, उसके लिए हम लोग आवाज उठाए, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई भी एहसास उतना नहीं आया है कि पैसा वापस हुआ है। जबकि ये चीज इससे जो पूर्व भीषित है हमारे, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था, लेकिन उसका पारित अभी हुआ है। तो इतना दिनों से ये क्यों अटका हुआ था? अगर अटका हुआ है तो इसके बिहार में बात करें और इसको अविलंब घटाए पैसा। केंद्र सरकार द्वारा संकेत मिलने के बाद सदर अस्पताल प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जिले वासियों को जल्द ही कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिसे लेकर सदर अस्पताल परिसर में वैक्सीन बैंक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सदर अस्पताल में बने महिला वार्ड को मातृ शिशु सदन में शिफ्ट कर दिया गया है और इसे खाली कर वैक्सीन रखने के अनुकूल बनाया जा रहा है। इसके लिए डीप फ्रीजर के अलावे अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। तकनीशियन मोहम्मद साजिद ने बताया कि 3 हफ्तों के भीतर सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। वैक्सीन आने से पहले उसका WIC इंस्टॉलेशन हो रहा है, उसकी तैयारियां अभी शुरू है। जब ये तैयारी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद मशीन आएगी, मशीन इंस्टॉल होगा, उसके बाद जब सब जांच करके जाएगी तब उसके बाद वैक्सीन आएगी। प्रक्रिया में कितने प्रक्रिया लग सकता है? 2 हफ्ता तक हम लोग टाइम दिया है, उसमें अभी वायरिंग का काम बाकी है, वायरिंग होगा। वैक्सीन को प्रिजर्व करना एक बहुत कॉम्प्लिकेशन की चीज़ है, इसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? वैक्सीन को रखने के लिए हम लोग पास डाटा लॉगर सिस्टम आता है, जो पल पल उसका टेम्परेचर आपको मोबाइल पे मैसेज मारता देता रहता है। अगर वो लाइन कटेगी यहाँ से तो हर आधा घंटा बाद वो मैसेज मोबाइल पे आ जाएगा कि लाइन आपका ब्रेक डाउन हुआ है, कहीं से आप जाके देखिए, तो मोबाइल मैसेज आता रहता है, इससे हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि जब वैक्सीन आएगा उस समय जिले में 4,953 जगहों पर टीका लगाई जाएगी और इसके लिए 675 टीका कर्मी तैनात किए जाएंगे। पहले चरण में फ्रंट लाइन वॉरियर जैसे चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी और आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एक पोर्टल जारी किया है, उस पर कर्मी खुद से ऑनलाइन अपनी एंट्री कर सकते हैं। जिले में कोरोना के अब तक 10,500 मामले सामने आए हैं, जिसमें 74 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी फिलहाल 230 मामले एक्टिव हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन उसके अनुसार करवा भी चुके हैं, नया भी स्टोरेज बना चुके हैं, जो जिस डिफंक्ट था उसको भी क्लियर कर लिए हैं। ये किसी भी कीमत पर जब भी वैक्सीन आए हम लोग रेडी हैं प्रिजर्व कर सकते हैं। टेक्निकली उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी टेम्परेचर ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन करके ही आता है, यहाँ मेंटेन करना है, मूल है वैक्सीन को एक्यूरेट टेम्परेचर पर मेंटेन। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कुछ टीम वगैरह बनाई है? टीम बनी हुई है हम लोगों का, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन की टीम है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है,
और अब सरकार का जब निर्देश हुआ तो और लोगों को हायर करके किया जाएगा, क्योंकि एकदम जोर शोर से तैयारी चल रही है, वार फुटिंग तैयारी है। हम लोगों का ओल्ड चैन जो था रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वो पहले से ही काम कर रहा था, उसमें भी हम लोग सुधार कर लिए हैं कि किस रंग का फॉल्ट नहीं रहे। इसके अलावा जो है सो हमारा पहले से एक पड़ा हुआ था DIO में ऑफिस में, उसको भी हम लोग क्लियर कर लिए हैं। नया भी एक कोल्ड चैन हम लोग रेडी किए हैं और उसमें एक तो रेडी हो चुका और उसका कनेक्टिंग जो है DIO ऑफिस से हम लोग कर लिए हैं और वो बड़ा स्पेस है। अब है कि बहुत जल्द हम विद इन वीक कंप्लीट रेडी फॉर्म आ जाएंगे। बिजली कनेक्शन अभी सब लग चुका है, सॉकेट वर्क का कोई दिक्कत नहीं है और सरकार का पूरा सहयोग है और निर्देश भी रोज़ प्राप्त होते रहता है और रोज़ हम लोग कर रहे हैं, डाटा बेस भी तैयार कर रहे हैं वैक्सीनेशन का, हेल्थ का करीब गवर्नमेंट का तो कर लिए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी केयर को लगाए हैं कि एक एक जगह जाके कोई भी मेडिकल में नहीं छूटे, सबका तैयार कर रहे हैं। हम पार्टी के जिला युवा अध्यक्ष मुकेश पाठक द्वारा SSP जयंत कांत पर अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए IG से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जाम को लेकर हम पार्टी के युवा जिला प्रभारी मुकेश पाठक और SSP जयंत कांत के बीच बगझक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को मुकेश पाठक ने पुलिस महानिरीक्षक से मुलाकात कर SSP के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की। हम पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का कहना है कि जब वरीय पदाधिकारी जनता की प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो आम जनता के साथ उनका क्या व्यवहार होगा, वह सब समझ सकते हैं। आज IG साहब से मिलने आए हुए थे क्योंकि 2 तारीख को मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुझे गाली दिए, अशब्द भाषा का प्रयोग किया जिससे हमको बहुत बड़ा ठेस लगा और हम मानसिक तनाव में अभी जी रहे हैं। किसी भी समय हमारा कुछ भी हो सकता है, अब तो हमको लगता है कि हमारा जान माल का भी क्षति हो सकता है। उसके बाद क्या कोई आपको कोई थ्रेटनिंग मिली है क्या? नहीं, ऐसा नहीं मिला है, लेकिन अपना ज्ञात जो होता है आगे पीछे देखने से लगता है कि कोई हमारे आगे पीछे कुछ चल रहा है, मैंने कि ऐसा हमको अपना ज्ञात हो रहा है, इसीलिए आज वो जन समस्याएं हैं जाम का जो विकराल रूप है उसको उठाते रहेंगे तो आपके लिए नहीं जो भी हो जाए मुजफ्फरपुर की हर समस्या हिंदुस्तानी आम मोर्चा के ना प्लेटफॉर्म से उठते रहेगा, इसके लिए जितने भी पदाधिकारी को दम लगाना है लगा ले, मुकेश पाठक कभी पीछे हटने वाला नहीं है। तो क्या आश्वासन मिला है जी तरफ से? बोले हैं कि हम लोग अपने स्तर से देख रहे हैं। क्या चाहते क्या है? SP साहब का निलंबित यहाँ से किया जाए अविलंब, ताकि उसे पदाधिकारी की जरूरत नहीं है जिनको बोलने की भाषा यूज करने की भाषा ना आवे, वो उस सीट पर रहने लायक नहीं है। आगे भी आप लोग राज्य स्तर पे कुछ बात किए हैं अपने नेताओं से? हाँ, अपने नेताओं से हमने बात किया है, उन लोग लगे हुए हैं, 3 दिन का समय है, 3 दिन में उन लोग भी आगे की कार्रवाई करेंगे। रसूलपुर गांव स्थित मध्य विद्यालय में SSP द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य यह है कि गलियों, सड़कों तथा अघोष रचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। पूरे देश में स्वच्छता अभियान को लेकर लगातार जागरूकता चलाई जा रही है। इसी क्रम में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ASASB के जवानों ने शुक्रवार को अहियापुर इलाके के रसूलपुर मध्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें ASASB के जवानों ने पूरे स्कूल परिसर में लगे कूड़े कचरे को साफ किया, साथ ही आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों से स्वच्छता को लेकर अपील भी की। मौके पर मौजूद निरीक्षक संचार ब्रजनंदन कुमार ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। यह अभियान 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जिले के विभिन्न जगहों पर चलाई जाएगी। इसी क्रम में आज मध्य विद्यालय को चिन्हित कर मध्य विद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, साथ ही इलाके के आस पड़ोस के लोगों से स्वच्छता रहने की अपील भी की गई। आज का आयोजन हम लोग इसी मध्य विद्यालय में हम लोग आए हैं, हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है जो कि 1 से 15 दिसंबर तक चल रहा है।
और इसी क्रम में ये हमारा एक स्कूल था कि जहाँ पर हम लोग खुद सफाई भी कर रहे हैं और पूरे समाज के और के लोगों को हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं कि वो लोग भी अपने इलाके को, अपने गली को, नली को, जो भी है आसपास के चीज़ों को अपना सफाई रखें। और सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर स्वच्छ रहेंगे खुद में तभी दूसरे को प्रेरित कर पाएंगे। और ये स्वच्छता इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे एक रोग मुक्त एक देश बनेगा, एक स्वच्छ भारत बनेगा। इसी क्रम में हम लोग का अलग अलग जगह पर भी अभियान चल रहा है, हम लोग अपने कैंपस एरिया को भी कर रहे हैं और आगे अभी बहुत सारे ऐसे सामाजिक स्थान हैं जहां पर कि हम लोग इसको सफाई करेंगे और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम हम लोगों का अपना खुद का कैंपस के अंदर का एरिया और बाहर का एरिया है। उसके अलावा आगे हम लोगों का मेडिकल कॉलेज भी है और भी कुछ अगल बगल के स्कूल होंगे जहाँ पर कि हम लोग सफाई करेंगे और लोगों को प्रेरित करके पूरे भारत को एक साथ इस स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ेंगे। वहीं मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक अभिनव कुमार ने बताया कि जवानों के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है, इससे आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। जवानों के द्वारा बार बार विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है जिससे समाज में स्वच्छता के बारे में जागरूकता आती है, एक रोग मुक्त स्वच्छ समाज का निर्माण होता है, उसमें मानसिकता में बदलाव आता है कि स्वच्छता के बाद कैसा नज़ारा दिखता है, हमें किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इससे हमारे विद्यालय को, हमारे समाज को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हम इसके लिए इन जवानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। मीनापुर राजद विधायक मुन्ना यादव ने मीनापुर क्वारंटाइन सेंटर में बड़े घोटाले का आरोप जिला प्रशासन पर लगाया। शुक्रवार को मीनापुर आंचल कार्यालय के सभागार में मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुन्ना यादव ने आंचल के कर्मचारी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कोरोना काल में मीनापुर आंचल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर 3 मई से 15 जून तक राकेश टेंट हाउस द्वारा किए गए इंतजाम पर उंगली उठाते हुए कहा कि पूरे बिहार में कोरोना के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला किया गया है। सिर्फ मीनापुर में ही नहीं, मकसूदपुर के राकेश टेंट हाउस को 6 करोड़ रुपए का भुगतान दिया गया, जबकि मकसूदपुर में राकेश टेंट हाउस है कि नहीं। उन्होंने कहा कि इस घोटाले की जाँच की मांग विधानसभा में उठाएंगे। 2 करोड़ का बिल देता कोरोना में, जबकि इसका टेंट हाउस है ये नहीं, फिर कहां से बिल लाया? ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, जांच हो, कार्रवाई हो, किसने ये जमा करवाया? और बहुत बड़ा घोटाला पूरे बिहार में कोरोना के नाम पर हुआ। कितने करोड़ का भुगतान किया गया है इस टेंट? अब इसकी जानकारी तो मैं लेना चाह रहा था, लेकिन अंचलाधिकारी तो आए नहीं, मैं तो उनका इंतजार कर रहा था। वो जिला के मीटिंग के बहाने की, जिला के कोई काम के बहाने सर आ गया, उनका CI आया, उसको कोई जानकारी नहीं। एक ही टेंट हाउस को पूरा मीनापुर का दे दिया गया क्या? अब ये तो रहेंगे तब, हम तो एक टेंट हाउस का प्रूफ हमारे पास है, और कितने ऐसे टेंट हाउस हैं? इसकी जानकारी तो अंचलाधिकारी देते ना, तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए जिला पदाधिकारी जी से आग्रह है महोदय से कि ये इसकी जाँच हो मीनापुर में, और जिसने ये बिल जमा किया फर्जी बिल, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। क्या पेमेंट हो चुका है इसका? सुने हैं कि अलॉटमेंट हो गया और 41 लाख के करीब का बिल है एक ही आदमी के नाम पर, 41 लाख का पेमेंट भी हो गया, और इससे पूर्व जो यहाँ पदाधिकारी थे अंचलाधिकारी उनको एक स्कॉर्पियो गिफ्ट भी दे दिया। मतलब भूखे मर रहा है लोग, बीमारी से त्रस्त है। ये टेंट हाउस है कहाँ? कहीं नहीं है भाई, इस पर नाम तो मुखपुर का दिया है लेकिन टेंट हाउस कहीं है नहीं। और तो और मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पंचायत में टेंट हाउस का बात है और मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इनकी हैसियत 5-5 रुपये खर्च करने की नहीं, फिर 2 करोड़ का भाउचर किसे जमा करवाती है? अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जाँच नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्वारंटीन सेंटरों में सप्लाई की गई थी टेंट हाउस के द्वारा? अरे क्वारंटाइन सेंटर में टेंट हाउस के द्वारा क्या सप्लाई किया गया था? जो बिल में लिखा हुआ है गद्दा, चादर, ये सब का जो बिल है, तो वो सप्लाई किया गया था क्वारंटाइन सेंटर पर? कोई भी ऐसा क्वारंटाइन सेंटर नहीं है जहां मैं नहीं गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर बड़े बड़े दरी जादी बिछा दिए जाते थे और ऊपर
आदमी जानवर के जैसे सोता था, बांस बल्ला के बल बाहर लगा दिए जाते थे। ये 2 करोड़ का बिल कैसे हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात है कि एक राकेश टेंट हाउस मुकसूदपुर है ही नहीं। वहीं पूरे मामले को लेकर कहा कि मीनापुर के बीडीओ अमरेंद्र कुमार का कहना है कि यह मामला पूर्व सीओ ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव के समय का है। इस मामले को वे अभी के सीओ श्री राम जी पासवान के संज्ञान में देंगे और अगर मामला सत्य पाया गया तो निष्पक्षता जांच की जाएगी। सर, फर्जी टेंट हाउस से बड़ी गबन की बात सामने आई है, क्या मामला है? मामले के तक जहां तक सरकार हमने देखा है, वाउचर के दिखा रहे हैं, इस संबंध में जो अंचलाधिकारी महोदय द्वारा ही बिल की निकासी की जाती है, इस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है। मेरा इससे बिल की निकासी चूंकि अंचल के द्वारा किया जाना है, इसे हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। मतलब आपदा को अवसर में बदला गया लग रहा है आपको मुसहरी में? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। सर, जो बिल दिख रहा है, बिल तो प्रथम दृष्टि पर कि उसमें ना एड्रेस है, ना मोबाइल नंबर है, ना टीम है, ना उसका बैट है, कुछ भी नहीं, तो क्या लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़। अय्यापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट में दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा एक पक्ष के साथ मारपीट कर कई लोगों को घायल किया गया। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम मोहल्ले की है, जहां घायल पक्ष की महिला ने दबंगई का आरोप लगाते हुए बताया कि दूसरे पक्ष के द्वारा पिछले कई महीनों से जमीनी विवाद को लेकर लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना को कई बार की, लेकिन थाना द्वारा उनकी एक भी नहीं सुनी गई। अयाची ग्राम मोहल्ले के निवासी व पीड़ित वंदना गुप्ता ने बताया कि पिछले कई वर्षों से मोहल्ले में घर बनाकर रह रही है, पड़ोसी द्वारा जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार परेशान किया जा रहा था। बीते 2 दिसंबर को जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दबंगों के द्वारा उनके पति के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। बीच बचाव करने गई उनके साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले को शांत कर दोनों पक्षों को थाना पर लाया गया। मारपीट में घायल संजय की स्थिति बिगाड़ने के बाद पुलिस द्वारा घायल को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। हमारे पड़ोसी जो है अरविंद सिंह, रिटायर्ड फौजी हैं, वो पिछले एक साल से हमारे पड़ोस में अपने घर का निर्माण कर रहे हैं, और हमारे घर की आगे की जो ज़मीन है, जो हमने अपने घर के आगे स्पेस छोड़ा था, उसके आगे 10 फीट कच्ची सड़क है, पूरे को ऑक्यूपाई करके, जिसमें हमारी निजी ज़मीन भी शामिल हो गई है, वो उस पर भी कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। एक साल से चलते हुए विवाद को देख के हमने अपने अयाची ग्राम जो काटी प्रखंड में आता है, तो हमने सरपंच न्यायालय में भी आवेदन किया था इसके लिए। पूरे निरीक्षण के बाद वहाँ पर केस की सुनवाई हुई और 4 अक्टूबर को ऐसा फैसला आया कि 22 अक्टूबर तक का समय उनको दिया गया और कहा गया कि ये सारा अतिक्रमण जो है नाजायज है, अवैध है, इसको तोड़ के हटाना है और हमारे ज़मीन को भी रिलीज कर दिया जाना चाहिए उसमें। और ये पूरा ऑर्डर उनको आने के बावजूद भी इस आदेश की अवहेलना करते हुए लगातार उस पर निर्माण कार्य जारी करते रहे। फिर हमने उसके लिए अय्यापुर थाना में FIR दर्ज किया, जब 24 अक्टूबर को उन्होंने हमारे घर पर अवैध तरीके से हमारी सीढ़ी तोड़ दी, दीवार तोड़ दी, हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज हमेशा करते थे, तो अय्यापुर थाना में हमने 24 अक्टूबर को उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया था, जिस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई है। एक बार पुलिस कभी चक्कर लगाने भी नहीं गई अयाची ग्राम में, यहाँ तक कि उन्होंने लोकेशन भी जाके नहीं देखा कहाँ क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है। लगातार हर विवाद की, हर घटना की सूचना हम थाना को देते रहे। जिस दिन वो गाली गलौज मारपीट करता है या फिर दीवार हमारी तोड़ता था, हमारे कंस्ट्रक्शन में डिस्टर्बेंस करता था, हम हमेशा सूचना देते रहे थाना को, लेकिन थाना की तरफ से कोई रिस्पांस कभी हुआ नहीं। और इस बीच में उसका निर्माण कार्य लगातार जारी रहा। इसी बीच में 1 दिसंबर को 144 भी लग गया, जो थाना से हमने रिसीविंग भी लिया है, हमारे पास है, बावजूद उसके 144 के ऑर्डर की भी अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य लगातार जारी है। वीडियो बनाकर, फोटो खींचकर हम हमेशा थाना को सूचित करते रहे, लेकिन थाना की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। इस बीच में अनगिनत एप्लीकेशन हमने दिए हैं, बार बार जाके थाना को सूचना दिया है, और 2 दिसंबर को उसी निर्माण कार्य को रोकने के लिए मेरे हस्बैंड गए थे, उन्होंने यही कहा कि 144 लगा हुआ है, विवादास्पद है, इस पर निर्माण कार्य अभी मत कीजिए, और जो भी आपको करना है वो पहले इसका फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा। लेकिन जैसे लग रहा था वो लोग पहले से ही तैयारी में थे, निर्माण कार्य तो अभी भी चल ही रहा है, साथ में डंडा लेके वो घर के अंदर से आ गए, और अरविंद सिंह तथा उसका पुत्र जो है शांतनु नाम है, घर का नाम शायद गोलू है, और उनकी पत्नी अनीता देवी, तीनों ने मिलकर हस्बैंड के साथ बहुत जबरदस्त मारपीट की। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। इस दिवाली पीतांबरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी।
साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाए। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। करियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है करियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735। या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया
क्राइस्ट सिटी स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नए कृषि कानून के विरोध में वाम संगठन के सभी दलों ने संयुक्त रूप से खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर वाम संगठनों के सभी दलों ने संयुक्त रूप से नए कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की। इस दौरान वाम संगठन के सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। वाम संगठनों का आरोप है कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और नए कृषि कानून एक काला कानून है। वाम संगठन के सदस्यों ने कहा कि नए कृषि कानून के विरोध में 7 लाख किसान सड़क पर उतरे हुए हैं और जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती है ये आंदोलन जारी रहेगा। तो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज 9वां दिन है, तो उसी के सपोर्ट में मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवी प्रोफेसर स्टूडेंट्स और कलाकार और तमाम जो जनपक्षीय लोग हैं उनका ये एक दिवसीय सत्याग्रह है कि सरकार जो वाजिब किसान के मांग है उनको सुने। किसान कोई पागल नहीं है जो पहुंच गए हैं दिल्ली में और दिल्ली की जनता उससे परेशान हो रही है, दिल्ली की जनता की परेशानी भी देखते हुए और साथ साथ जो किसानों के वाजिब मूल्य हैं, वाजिब मांग है, उनका ध्यान रखते हुए अविलंब सरकार को तीनों कानून रद्द करना चाहिए। जो वाजिब दाम जो किसी के ये पहले से 6 साल से चल रही है बात और वो नहीं सरकार सुन रही थी, उसको मानना चाहिए। और भी जो छोटे छोटे 2-3 मुद्दे और हैं। सदर अस्पताल में जल्द पीपी मोड में सीटी स्कैन की सुविधा आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गई। जल्द ही जिले वासियों को सदर अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिसे लेकर शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह और स्वास्थ्य विभाग के सदस्यों ने निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने बताया कि पीपीई मोड में कल्पना सिटी स्कैन सेंटर के साथ मिलकर इसका शुभारंभ किया जा रहा है। अत्याधुनिक मशीनों और प्रशिक्षित ऑपरेटर के द्वारा सिटी स्कैन किया जाएगा। सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे के बाद यह सुविधा भी जल्द ही शुरू होने से जिले के मरीजों को प्राइवेट जांच घरों से छुटकारा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी केयर को लगाया है कि एक एक जगह जाके कोई भी मेडिकल में नहीं छूटे, सबका तैयार कर रहे हैं, जिसके आधार पर उसका वैक्सीन की गिनती हो सके, कितने वैक्सीन आवे जो हेल्थ सेक्टर को पूरा कर ले, जिससे कि सरकार का जो योजना है उसके अनुसार हम लोग 100% पहुँच जाए। दूसरी ओर हम लोग सी टी स्कैन डिजिटल एक्सरे तो काम कर रहा है, जनरल एक्सरे पहले से था, पैथोलॉजी ही एरिया में जांच के सब सुविधा एक साथ किए हैं, सी टी स्कैन ही 2-3 दिन के अंदर हमारा चालू हो जाएगा। RBBM कॉलेज में 16 दिसंबर को घरेलू हिंसा एक्ट पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी कॉलेज के प्राचार्य ने दी। RBBM कॉलेज में 16 दिसंबर को नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स द्वारा घरेलू हिंसा एक्ट को लेकर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कॉलेज कर्मचारी के साथ बैठक की। डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि वेबिनार में घरेलू हिंसा को लेकर बनाए गए कानून में संशोधन बदलाव और इसे और कैसे सक्रिय किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमन उसके तरफ से एक वेबिनार का आयोजन उसके द्वारा संपोषित है, जिसका आयोजन रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय द्वारा किया जाना है। हमारे कॉलेज की टीम ने 16 दिसंबर को इसको करने का निर्णय लिया है, क्योंकि 16 दिसंबर के दिन ही निर्भया के साथ वो हादसा हुआ था, तो हम एक ट्रिब्यूट के तौर पर निर्भया को ये डेडिकेट करेंगे यह वेबिनार। और इस वेबिनार के लिए हम लोगों ने बातचीत की है, तो शेफाली रॉय है जो कि पटना यूनिवर्सिटी की HOD है पॉलिटिकल साइंस की, उन्होंने अपनी सहमति दी है, वो बोलेंगी। गीता श्री जो कथा लेखिका और पत्रकार है और कई सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं, वो गीता श्री जी इसमें अपना वक्तव्य देंगी।
और इसके अतिरिक्त भी हम लोग अनामिका जी से, माधुरी लता जी जो कि हाईकोर्ट की लायर है, उनसे हम लोगों ने बातचीत की है, लोगों ने अपनी सहमति दी है। और इस वेबिनार के जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे इस यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे जी, और इसके उद्घाटनकर्ता हमारे यहाँ के MP होंगे। और ये सब ऑनलाइन होगा, छात्राएं इससे ऑनलाइन जुड़ेंगी। और यह वेबिनार घरेलू हिंसा, और इसमें घरेलू हिंसा के लिए जो धाराएं हैं और उनका क्या प्रभाव है, और घरेलू हिंसा का क्या अभी इंडिया में क्या दृश्य है, क्या दिशा और दशा है, उस पर लोग अपनी राय देंगे। और इसमें जो भी छात्राएं भाग लेंगी उनका बाद में एक क्वेश्चन आंसर सेशन होके तब उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यह निःशुल्क है, इसके लिए किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। और इसकी कोऑर्डिनेटर पॉलिटिकल साइंस विभाग की इसी महाविद्यालय की मधु सिंह जी हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर रेणु बाला जी हैं जो हिंदी विभाग की हैं, और हमारी और जितनी यहाँ शिक्षिकाएं हैं वो सब अलग अलग जरिए से, जैसे जो इसका ई कंटेंट वगैरह देखेंगी, राखी मलिक जी और रेशमा जी हैं, नुपुर वर्मा जी हैं, वो इसका पूरा रिपोर्टियर वगैरह कैसे रिपोर्ट तैयार होगा, इन सब चीजों को देखेंगी। तो यह वेबिनार हम लोग 16 दिसंबर को करने वाले हैं, इसी की तैयारियों हेतु आज की यह बैठक आयोजित की गई। वेल्ट्रॉन पास आउट अभ्यर्थियों ने जिले में रिक्त पद की नियुक्ति को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बिहार सरकार के उपक्रम वेल्ट्रॉन द्वारा नवंबर 2019 में डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का कार्यालय सहायक के पद पर नियुक्त नहीं किए जाने को लेकर सफल अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि मुजफ्फरपुर जिले के अभ्यर्थियों का एक साल पूरा हो जाने के बाद भी अब तक नियुक्त नहीं किया गया है, जबकि अन्य जिलों में सफल अभ्यर्थी एक साल से अपने पद पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से जल्द नियुक्ति की मांग की। हम लोग बेल्ट्रॉन DEO 2019 पास स्टूडेंट हैं, हम लोग का ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। मार्च में हम लोग का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया था। लगभग हम लोग 7,311 स्टूडेंट हैं, मुजफ्फरपुर से हम लोग हैं, और 25 नवंबर को हम लोग पटना गए थे, तो वहाँ से ज्वाइनिंग के रिलेटेड हम लोग पूछे थे, तो हम लोग को बोला गया कि आप लोग के डिस्ट्रिक्ट से अधियाचना नहीं मिली है। तो हम लोग अधियाचना के लिए यहाँ DM सर से मिलने के लिए आए हुए हैं, ताकि यहाँ से अधियाचना दिया जाए ताकि हम लोग का ज्वाइनिंग हो। वहाँ से बोला गया था कि बस 2000 वैकेंसी है हम लोग के पास, बस 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में हम लोग ज्वाइनिंग का प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, लेकिन बस 2000 ही वैकेंसी है उसके हिसाब से। अगर ठोस आश्वासन नहीं मिलता इनके द्वारा तो आगे आप लोग क्या करें? ठोस आश्वासन नहीं आता फिर हम लोग जाएंगे पटना बेल्ट्रॉन ऑफिस, फिर हम लोग उनसे बात करेंगे कि क्या करना है नहीं करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।